जैन जयश्रम जय रघुनाथ। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और मैं आपका बटुक केडी और इस समय आप देख रहे हैं बटुक केडी चैनल। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैन जयश्रम जय रघुनाथ। दोस्तों ये बंदा है हमारे साथ, ये भाई है छोटा, मतलब कहाँ से आयो नाम बताओ अपना। फरीदाबाद से ध्रुव। फरीदाबाद से आया है, मतलब ध्रुव नाम है और रामपुरा से ही बिलोंग करते हैं लेकिन अब दिल्ली रहने, दिल्ली नोएडा मतलब है बल्लभगढ़। तो दोस्तों और भी फैमिली है तो भाई अपनी चैनल देखता रहता है तो हमने सोचा एक क्लिप थोड़ा बना के डाल दी जाए। और प्राचीन मंदिर है, 1000 वर्ष पुराना मंदिर है और ऐसे भक्त बहुत दूर दूर से आते रहते हैं और हमारे चैनल को देखते हैं। बहुत ही अच्छा लगा भाई ध्रुव भाई से मिलकर और ऐसे ही बने रहा है हमारे साथ। आप भी आएँ यहाँ, मंदिर का जो सौंदर्यकरण यहाँ प्रकृति है, नेचुरल प्रकृति है वह देखें। इतनी ही सुंदर प्रकृति है यहाँ, नेचुरलिटी कितनी अच्छी है, मतलब वहाँ यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। हम आपको और भी दिखाते हैं जो हमारे साथ ऐसे बने रहे हैं। और एक और भाई है, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? देवांशु। देवांशु, इसका नाम है भाई देवांशु। और बढ़िया, कितने पढ़ते हो? एक में एट। अच्छा, तो यहाँ कैसा लगा मंदिर? अच्छा, मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही विशेषता है यहाँ। अदृश्य शक्तियाँ भी आती हैं यहाँ रात को, बहुत डरावना बैठक लगता है यहाँ। जंगल है, घनघोर जंगल, फॉरेस्ट पूरा। तो हमारे साथ ऐसे मिले रहा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ठीक, और भी शेयर करवाएं वीडियो। जैन जयश्रम जय रघुनाथ। हेलो दोस्तों, जैन जयश्रम जय रघुनाथ। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। इस समय हम बटुक भैरव जी मंदिर पर मौजूद हैं। ये देखिए हमारे साथ ललित सोनी है, ललित भाई है और हम लोग जंगल आए हैं क्योंकि रास्ते में मतलब आप देख सकते हैं चारों तरफ बाढ़ का असर है बहुत बुरी तरह। इस समय हम बटुक भैरव जी टेम्पल पर हैं और कई लोग कह रहे थे कि मतलब तो केडी आपकी अपडेट नहीं आ रही है, तो दोस्तों आज से अपडेट चालू है। और ये देखिए बाढ़ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जूम करके, ये लग रहा है कि नदी पास में ही है लेकिन नदी हमसे बहुत दूर है। हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। तेज पानी है दोस्तों। इस समय हम बटुक भैरव जी मंदिर पर हैं और गाइस देख सकते हैं आप लोग, हम आपको लेकर नीचे चलते हैं। कितनी सीढ़ी डूब गई हैं बटुक भैरव जी मंदिर के। इस समय हम पसीने में तर रहे हैं और ये देखिए भाई पानी नज़र आ रहा है। ये नदी नहीं है, ये पानी है पहुज नदी का। और ये देखिए कितनी भयंकर पानी है। हम आपको नीचे लेकर चलते हैं गाइस और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे हैं दोस्तों। जय जय श्राम जय बटुकुन। दोस्तों इस समय हम प्रतीक्षालय में बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं ललित भाई है अपना और यहाँ नदी का हम लोग आनंद ले रहे हैं। ये देखिए मतलब नीचे तक नदी है, बहुत विशाल नदी आ चुकी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को अधिक से शेयर करें जिससे हर किसी को जानकारी हो बटुक भैरव जी मंदिर पर क्या ललित भाई घुसने जा रहा है। ये देखिए भाई, ललित भाई ने ऊपर कर लिया है पेंट। ये देखिए भाई, ये देखो, अरे इंटरलॉक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, चाहे जाओ बाथरूम बह सकती है, तुम लंबे हो। ये देखिए ललित भाई ने ये पार कर लिया नल। ये देखिए भाई गाइस देख सकते हैं आप लोग, जय जय श्री राम जय रघुनाथ। ये देखो भाई क्या आनंद है। हम लोगों ने त्यूरस जब नदी आई थी तो हमने और संजू बाबा ने यहाँ नहाया भी था। यहाँ से अगर ललित भाई जहाँ ठाड़ी हुए यहाँ से अगर डुबकी लगाएंगे तो समझो डूब जाएंगे क्योंकि बहुत ही गहरा ही है वहाँ दोस्तों। वहाँ खम्बा गड़ गया है। ये देखिए भाई, हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। मानो ये लग रहा है जैसे मंसूरी की वो झरना हो मंसूरी की तरह। ये देखिए भाई गाइस देख सकते हैं आप, बटुक भैरव जी टेम्पल बीहड़ क्षेत्र, 1000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर। ये देखिए ललित भाई को, क्या बात है भाई साहब। ये देखो भाई ललित भाई लंबाई का फायदा उठाते हुए। ललित भाई कुछ बोलिए आप। कुछ नहीं, बस पानी भरा है दोस्तों तो यहाँ, और बस यहाँ ऐसा ही हर साल पानी भरता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। बड़ा ही अच्छा लगा। ये देखिए हमारे बटुक भाई है जो कि रास्ता साफ कर रहे हैं। देखिए एक बाबा वो आ रहे हैं झंडा लगाते हुए जैसे रास्ता ना घूमे। एक चाचा वो है हम लोग बीच जंगल में है दोस्तों। तो देखिए चारों साइड